नमस्कार, मैं अमर उजाला से उमेश सिद्दीकी और हम मेरठ के मलियाना पहुंचे हैं, जहां 1987 में मलियाना कांड दंगा हुआ था, जिसमें आज लोअर कोर्ट का फैसला है, जिसमें 39 लोग बरी कर दिए हैं कोर्ट ने। हमारे साथ दंगे के वादी याकूब सिद्दीकी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो फैसला है उनकी अब आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर। याकूब जी, क्या वाक्य हुआ था, क्या कैसे हुआ था, आज जो फैसला आया है कोर्ट का, उसमें आपका क्या कहना? देखिए, 35 साल बीत चुके, पास लगाए हुए देखे हमारे साथ मिला, लेकिन हमें जो है इंसाफ तो हुआ, ठीक है, अदालत का फैसला तो माने हैं और हमें अदालत पर भरोसा है, कानून पर अपना भरोसा है। आगे की रणनीति जो होगी वो ये है कि अभी हम मशवरा करेंगे, दो चार हाई कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, ये अभी हम बाद में फैसला लेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, दो चार दिन के बाद फैसला लेंगे। अभी हम दंगे के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे? उस वक्त 74 आदमी की मृत्यु हुई। अच्छा, टैंकों के तादाद में लोग जख्मी हुए और पोस्टमार्टम जो है पूरे 36 आदमियों के हुए। जो हुआ सब हुआ, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है क्या क्या हुआ कैसे। अब आज फैसला जो कुछ आया है वो भरोसा करेंगे हम, बताएं ठीक आया होगा, ठीक समझा होगा था, कानून पे तो हमने भरोसा। तो आगे की रणनीति जो भी होगी, हाईकोर्ट जाए ना जाए ये अपने मेरे हाथ में नहीं है, हमारी जो कमेटी है वो। कितने लोग हैं आपकी कमेटी में, कौन कौन लोग शामिल? उसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, काफ़ी दिन हो गए मर भी चुके हैं। टोटल संख्या उस वक्त तो 25 आदमी थे, और अब देखते हैं 10-5 आदमी इकट्ठे करके फैसला लेंगे। ये थे याकूब जी, दंगे के वादी, जिन्होंने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया था। अभी हम दूसरे समुदाय से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना बड़े होने के बाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।